साथियों, आप में से जो सीनियर है उन्होंने वो दिन भी देखे हैं जब देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा गरीब गांव के गरीब तक पहुंचता है। यानी सरकारी खजाने से पैसा निकल रहा था लेकिन वो किसी और की जेब में जा रहा था। ये ऐसा भ्रष्टाचार था जो सीधे सामान्य जन को प्रभावित करता था। मनरेगा का पैसा सरकारी खजाने से निकलता था लेकिन मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती थी। गैस की सब्सिडी किसी और के खाते में पहुंच जाती थी। अपनी स्कॉलरशिप पाने के लिए भी रिश्वत खिलानी पड़ती थी। 10 साल पहले तक जो सरकार में थे उनको ये सूट करता था, उनकी राजनीति को ही सूट करता था। लेकिन साथियों, हमने सरकारी खजाने की इस लूट को पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंचाए। अगर पहले वाला हाल होता और 1 रुपया और 15 पैसे वाली थियरी होती तो 27-28 लाख करोड़ रुपए गरीबों तक कभी पहुंचते ही नहीं, कहीं और चले जाते। 27-28 लाख करोड़ अलग अलग योजनाओं के करीब 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी, वो लोग जिनका कभी जन्म नहीं हुआ था लेकिन कागजों पर वो जिंदा थे, योजनाओं के हकदार बन गए थे। हमने ऐसे 10 करोड़ फर्जी नाम हटाए हैं। इसका मतलब उसका बेनिफिट लेने वाले लोग क्या मोदी का जय जयकार करेंगे क्या? आप हैरान हो जाएंगे, 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड, उसको हमने हटाया। आप कल्पना कीजिए ये कितना बड़ा घोटाला था, गरीबों का कितना बड़ा हक मारा जा रहा था। आज इस हॉल में बैठे हर व्यक्ति को उस गरीब का चेहरा याद करना चाहिए जिसे राशन की जरूरत थी, जिसे राशन मिलना चाहिए था लेकिन मिल नहीं रहा था। वो गरीब सरकार को कोसता था, अपनी किस्मत को कोसता था। आज हमारी सरकार में उसी गरीब को वन नेशन वन राशन कार्ड मिला है। आज हमारी सरकार उसी गरीब को उसके खाते का पूरा राशन मुफ्त दे रहा है। आज वो गरीब जब मुझे आशीर्वाद देता है तो विपक्ष के मन में गालियां फूटती हैं। मेरे लिए भी गालियां, वो गरीब मुझे आशीर्वाद देता है इसलिए उस गरीब को भी गालियां, लेकिन गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देश ने तो मन बना ही लिया है, फिर एक बार